आइए देख सकते हैं हम इस वीडियो के द्वारा, हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था वर्ग 9 का 1.1, ठीक है। अब तो औजार बॉक्स का बात है 1.2 के लिए, लेकिन हम आपको 1.3 की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला बात है उसमें है कि प्रश्नों को हल करें। किसको? प्रश्नों को हल करें। ओके बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं ना कि मान लीजिए सवाल पहले लिख देंगे उसके बाद बनाने में, ताकि वीडियो लंबा हो जाता है क्या। मुझे फर्क नहीं है, पढ़ रहे हैं आप, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़िए पढ़िए, आप क्या दिक्कत है इसमें, सही बात है कि नहीं। तो देख सकते हैं प्रश्नों को हल करें। अगर दे दिया 1/√2 के हर का परिमेयकरण करें, क्या करें बाबू? परिमेयकरण करें। ये सवाल आ गया, आ गया 1/√2 के हर का परिमेयकरण करें। ओके क्वेश्चन आ गया है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है तो जाहिर सा बात है कि जब तक आपको रूट का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आएगा तब तक कि आप इस सवाल को बना पाइएगा। तो आप जगिए, क्या कीजिए, जिस नींद में आप सोए हैं उस नींद से जगिए, क्या कीजिए, जगिए। बथेरे आप कोचिंग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, हम आपको मना नहीं करते हैं कि मत पढ़िए। जिस स्कूल में जाते हैं वहां भी पढ़ते हैं, मैं मना नहीं करता हूं कि आप मत पढ़िए। जिस जो शब्द आपको समझ में नहीं आता है तुरंत आप खड़े होइए अपने क्लास में और अपने टीचर से बोलिए सर एक मिनट ये आपने क्या लिख दिया है, ये हमको समझ में नहीं आता है। कोई लड़का है जो ये सोचता है कि मैं अगर पूछ लूंगा तो लड़की सब समझेगी कि कमजोर है। कोई लड़की है वो समझती है कि मैं अगर पूछ लूंगा तो लड़का सब समझेगा कि मैं क्या हूं, कमजोर हूं। इस कमजोरियों को हटाइए और हटा करके एक मजबूत स्टूडेंट का निर्माण कीजिए। सही बोले हैं कि नहीं? आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1/√2 के हर का परिमेयकरण करें। चलिए हम यहां पे इसको लिखते हैं, वो 1/√2 ये है, हमने यहां लिख दिया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए के हर क्या लिखा हुआ है बाबू? हर। अब इसका हर क्या है, एक है या रूट दो है? दो। रूट दो है कि नहीं? ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। पर हर का परिमेयकरण करें। अब तो हर हमको मिल गया रूट दो, मिल गया कि नहीं? इसका परिमेयकरण करना है तो रूट दो हम यहां भी लिखेंगे, बट्टा में रूट दो यहां भी लिखेंगे, बीच में इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम 1/√2 में गुना करेंगे तो हमारा आंसर √2, और जब हम √2 में √2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया है बाबू, हाथ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिट डाउन। तो वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता 1/√5 हो गया हमारा क्वेश्चन, तो हम क्या कर सकते हैं 1/√5 कर देंगे, गुना दे देंगे, सवाल में पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण। अगर आपको समझ में आ जाता है कि हर किसे कहते हैं, नहीं मालूम है किसी बच्चे को नहीं मालूम है कि हर किसे कहते हैं, ए बाबू तनी देहात में चल जाओ, खेत में जाकर देखो हर कहाँ लगता है, नीचा नीचा लगता है कि नहीं? ट्रैक्टर के हर, बैल वाला हर, ये सब खेत जोतता है, आ खेत नीचा ही ना होता है तो हर एकदम नीचा ही होता है, बुझा गया कि नहीं? आ हर का है सब बकुली होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसको उठा लिए और √5 और बट्टा बाबू √5 एक में जब हम √5 से गुना करेंगे राजा जी तो क्या हो जाएगा, √5। जब √5 में जब √5 से गुना करेंगे तो 5। कितने बच्चों
आपको समझ में आ गया। फाइनल हैवी वेरी प्रॉब्लम हेड्स डाउन। नीचे पुनः हमारा एक और क्वेश्चन, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ाई समझ में आ रही है। जी सर बिल्कुल। तो ऐसे वीडियोस को सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वे लोग देखें, ठीक है। हम आपको लाइव भी आकर के पढ़ाएंगे। आइए हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/√7 के वर्ग का परिमेयकरण करें। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√7। क्वेश्चन में √7 है हर का, यानी √7/√7। एक से हम √7 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √7, और √7 में जब हम √7 से गुना करेंगे तो √7। दिस विल बी आवर राइट आंसर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तब मैं आपको HWCW दे रहा हूं। आप लोग बना के तुरंत हमें दिखाएं, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका हमें क्या देंगे, आंसर देंगे। आप लोग बनाएंगे 1/√3 एंड 1/√6। आप इसका हर का परिमेयकरण करके हमें आप लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। बिल्कुल फाइनल। पुनः देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि सर आप तो ये वाला प्रश्न बता दिए, लेकिन अभी इस प्रश्न को थोड़ा देखेंगे। 3/√5 के हर का परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करें। ओके, हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने इस बोर्ड पे। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो पिछले सवाल में एक था, सही बात है कि नहीं? चलिए देखेंगे ध्यान से। तो हम प्रश्न है तो क्या लिख देंगे, सबसे पहली बात है क्वेश्चन को समझना है। आप अभी लिखिए मत, अपना फुल्ली माइंडेड इस बोर्ड पे लगाइए, ठीक है, और इसे समझिए। क्योंकि अगर आप समझ गए तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको हरा सकता है। सिर्फ आपको समझना होगा, क्या करना होगा, वीडियोस को पूरा देखना होगा। अगर कामयाबी अगर आपको लानी है तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 3/√5 गुने, हो गया। कौन सी का परिमेयकरण है बाबू, हर का। हर क्या है, √5 बटा √5। देखिए इसमें गुना हो रहा है तो कैसा लगेगा, थोड़ा ध्यान से। कभी आप लोगों ने यारी देखा है, यारी किए हैं, दोस्ती किए हैं? देखिए कैसे दोस्ती हो रही है इस क्वेश्चन में, दोस्ती के आधार पे ही मैच चलेगा, ठीक है। हाँ देखिए, इसका घर छतदार है, इसके घर के ऊपर छत है कि नहीं है? इसके भी घर के ऊपर छत है ना? तो छत वाला जो है, छत वाला से दोस्ती कर सकता है, क्या कर सकता है, कर सकता है। जैसे देख सकते हैं एक छत, एक छत, एक ही छत के अंदर दोनों आदमी रह सकता है। 5×5 समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए, जैसे इसमें गुना होगा, ये इसके ऊपर तो छत है ही नहीं, है छत नहीं, तो इसकी दोस्ती इससे नहीं होगी। ये बोलेगा कि मैं छत वाला हूं और तुम छत वाले नहीं हो, तुम्हारे ऊपर छत नहीं है, तुम भागो, हमारे घर में मत आओ, वरना लोग कहेंगे कि देखिए छत वाला आदमी एक भिख मांगा आदमी से यारी कर लिया कि नहीं कर लिया। सत्ता ही भिख मांगवा छतवा के बहरिया रहेगा, अच्छा छतवा के भीतरिया ई रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया बाबू, पक्का? हैंड्स डाउन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 3 हो गया, रूट हो गया, 5 हो गया ना जी। देखेंगे 3/√5 बटा √25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे देंगे 3/√5 बटा, और ये 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है 25 का वर्गमूल। इसीलिए तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे
कि तीन से रूट पांच में गुना होगा तो बे छत वाला हाई है और छत वाला हाई है दोनों सट जाएगा। सट जाएगा कि नहीं? तो तीन रूट पांच हो गया। देखिए आंसर तीन रूट पांच और रूट पांच में रूट पांच से गुना होगा तो क्या होगा? पांच। समझ में आ गया कि नहीं? डायरेक्ट हम आपको बता दिए हैं। हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए फटाफट निकालिए कॉपी और कलम और इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाइए। फॉर नंबर 3/√7 आप इसे बना के दिखाइए। इसके हर का परिमेयकरण करके आप हमें दिखा सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। देख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को बाबू, थोड़ा यहाँ पे 3/√7 है, हर का परिमेयकरण करेंगे। चलिए बहुत बच्चे बना चुके हैं, √7/√7 हो गया। तो देखिए अगले राजा तनी हाई देख लीजिए, ध्यान ना दीजिए, है पानी वाला है छत वाला, तो बताइए बाबू काई है इसमें ढुकेगा? नहीं ढुकेगा। अगर नहीं ढुकेगा तो वो हरिये तो रहेगा। रूट सात से जब हम रूट सात में गुना किए तो हमारा आंसर क्या हो गया? सात। हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम। थैंक यू, सिट डाउन। वेरी गुड। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए आ चुका है इस बोर्ड पे, 5/√6। आप इसे प्रैक्टिस करके बनाएं और बना करके हमें तुरंत आंसर दें कमेंट बॉक्स में, कैसे आप बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बच्चे आप लोग बना चुके हैं, 5/√6 है। चलिए इसे भी हल कर लेते हैं, √6/√6। ध्यान से, हाई पलानी है, हाई छत है, हॉटी की सॉटी। चलिए रूट सिक्स हाई हो गया और पांच हाई हो गया, लेकिन हाई तो बाबू छतवा छतवा तो दोनों सट गई है। सट गई है सकी ना? छ हो गया। ये हमारा राइट आंसर है, आप लोग इसे उतार सकते हैं। हम आपको HW दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें क्या देंगे? आंसर देंगे। ओके ओके। सबसे पहली बात ये है कि आप हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको पढ़ना हो तो आप उसे हमारे पास क्वेश्चन भेजें, मैं उसे बना के आपको वीडियो दे दूंगा। ओके, होमवर्क नोट करेंगे बाबू। HW का 4/√5 के हर का परिमेयकरण करें और ख में आ गया आपका क्वेश्चन 3/√11, इसके हर का परिमेयकरण करें। ओके, देख सकते हैं आप इस पढ़ाई को बिल्कुल बिल्कुल आपको एकदम क्लास की माफिक पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वीडियोस चाहे जितना भी लंबा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी आपकी बढ़ रही है, याद रखिएगा इस बात को। सही बात है कि नहीं? सही बात है। देख सकते हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने। लोग कहते हैं कि सर पहले प्रश्न लिख दीजिए ताकि वीडियो छोटा होगा। नहीं, हम आपके सामने लिखेंगे, आपको समझाएंगे। सही बात है। आइए क्वेश्चन, 4/√3 - √2 हो गया, कोई दिक्कत? या प्लस ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के हर का कौन सी का बाबू? हर का परिमेय करण करें। हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन हो गया। चलिए प्रश्न है तो क्या लिखेंगे राजा जी? हो गया, लिख देंगे हम यहाँ पे सवाल को, 4/√2 गुना तो जाहिर सी बात है कि देंगे। हो गया। चलिए हर का परिमेयकरण, हर हमारे पास क्या है? 3+√2 है ना, है ना? क्या है हर? 3+√2 है ना। देखिए जब हम परिमेयकरण करेंगे लिखेंगे 3+√2/3+√2 हो गया। थोड़ा सा इसमें चेंज
इस दोनों के प्लस को मिटा देंगे और हम यहाँ पे क्या दे देंगे माइनस। याद रखिएगा जो भी चिन्ह यहाँ होता है उसके उल्टे चिन्ह से क्या होता है परिमेयकरण किया जाता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया फाइनल? बाबू अगर यहाँ माइनस रहता तो हम यहाँ पे क्या दे देते? चलिए पुनः हम इसको मिटा के एक बार और समझा देते हैं। अगर यहाँ माइनस हो गया तो हम यहाँ पे क्या देंगे राजा जी? कोई दिक्कत? फाइनल समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया माइनस। और हमें क्या करना है? चार से हमको इसमें गुना करना है। बाबू एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है। चार से हम तीन में गुना किए तो चार तीन नहीं समझ में आएगा तुरंत आप हमसे पूछिए, खड़ा हो जाइएगा, बोलिएगा सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है ओके। चार से हम तीन में गुना किए तो चार तीन ही माइनस है, माइनस हो गया कि नहीं हो गया? अब देखेंगे चार से हम रूट दो में गुना करेंगे तो है पलानी आला है, है छह ताला है, तो बताइए का यारी होगा? तो इसका आंसर क्या हो गया? चार रूट दो। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? फाइनल हैंड्स डाउन। पुनः एक लंबा वाला बांटा है तो बांटा यहाँ क्या कर देंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन, तो तीन पायो है, दुगो है, तीन हम यहाँ पर लिख देंगे और इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर दे देंगे, यानि तीन हमारे पास स्क्वायर हो गया। रूट दो यहाँ भी है और रूट दो यहाँ भी है, यानि रूट दो हमारा पायो हो गया। बताइए दोनों दो दुगो है कि नहीं है? आप देखेंगे प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हैंड्स डाउन। देखते हैं क्वेश्चन को बाबू। 12 लिख देंगे माइनस 4 रूट 2 बट्टा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ध्यान दीजिएगा 2 से ये रूट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या आ चुका? 2 यानी माइनस 2। आइए हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 12 माइनस 4 रूट 2 बट्टा 9 में से 2 गया 7। इसमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं लेकिन अभी आप लोग सीखने वाले बच्चे हैं तो यहीं तक आंसर आप लोग सीखेंगे बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया है बाबू? फाइनल बता सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को ओके? और हम आपको एक क्वेश्चन दे भी देते हैं जो आप घर से बना करके लाइएगा। 5/3 माइनस रूट 3 ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन घर से बनाने के लिए। और भी अपने आप से आप इस पे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कहते हैं मैथ के बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ कोई पढ़ा होगा तो जरूर ही सेट किया होगा, ठीक है कि नहीं? आप भी बेहतर तरीके से पढ़िए और पढ़ करके वैसे वैसे क्वेश्चन को सेट करने का एक अंदाज सीखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।